है थोड़ी दिन में, तो वैसे तो इस कोविड बीमारी को इतना टाइम हो गया कि बच्चा बच्चा इसके बारे में सभी जान, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करने के साथ मैं मेन मेन बातें आपको बता देता हूँ। उसमें शुरुआत अपन इस चीज़ से करते हैं कि जैसे कोविड कोविड नाम कैसे पड़ा, मतलब ये सी ओ होता है कोरोना, सी ओ का मतलब कोरोना, बी आई मतलब वायरस और डी से डिजीज, और ये 2019 में पहली बार डिटेक्ट हुआ था इसमें कोविड 19 का नाम था, सी ओ से कोरोना, बी आई से वायरस और डी से डिजीज, कोविड 19 वायरस। और ये कोरोना सुपर फैमिली का होता है और आरएनए वायरस होता है। अब इसके खिलाफ हमने वैक्सीन भी लग गई है इंडिया में यूज करने के लिए, दो तरह की वैक्सीन से, एक तो भारत बायोटेक है, एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन दोनों की वैक्सीन यूज करने के लिए अपने को अलाउ किया है। और जैसा कि आपको पता होगा 16 तारीख से वैक्सीनेशन का सत्र प्रारंभ हो रहा है, उसमें अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसवंतपुर को भी चयन किया गया है, पूरे जिले में 7 स्थानों पर प्रारंभ किया जाएगा, उसमें से एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसवंतपुर भी एक स्थान है, तो यहाँ पे इसका कोविड वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया जाएगा और पहले दिन 100 जनों को टीका लगाया जाएगा। और इसके बारे में और सामान्य लक्षण ये, जैसा कि आपको पता है कि जुकाम खांसी बुखार ये सामान्य लक्षण है, इसके अलावा असामान्य लक्षण जो सामान्यतया नहीं पाते हैं वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। कंप्रेसिव लक्षण जो है, शरीर में दर्द, गले में खराश, दस्त की लक्षण है, आंखों में लाली आ सकती है, सिर दर्द, स्वाद में सूंघने की शक्ति का चले जाना, जो हल्के लक्षण से वो गंभीर भी हो सकते हैं, जैसे मुख्यतः ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, इसलिए सांस से संबंधित लक्षण मेन होंगे, श्वसन तंत्र से संबंधित लक्षण मेन होंगे, और बाद में श्वसन तंत्र से फैलते हुए ये मल्टी सिस्टम फेलियर भी जो सीरियस हो जाता है, उसमें दूसरी किडनी को, लीवर को, सबको प्रभावित करके मल्टी सिस्टम फेलियर हो जाता है और फिर डेथ हो जाती है। हालांकि 80% केसेस में हल्के सामान्य या कोई लक्षण नहीं होते, जैसा कि आपको पता है अपन मार्च से इसके बारे में सुनते आ रहे हैं, शुरुआत में तो इसके बारे में अपने को कम पता था, लेकिन अब तो बच्चा बच्चा इस जानकारी से अवगत है कि क्या कोरोना वायरस है, क्या इसके बारे में सावधानी रखनी है अपने को। इसको 11 मार्च 2020 को अपने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित किया गया था, 11 मार्च 2020 को WHO के द्वारा COVID-19 को महामारी घोषित किया गया था। इसके अलावा ये खांसने छींकने से फैलता है, ड्रॉपलेट मेथड से फैलता है, खांसने से छींकने से, जैसे अपन खांसी करी तो ड्रॉपलेट्स कहीं किसी स्पेस पे गिर गए, जैसे टेबल पे गिर गए, कहीं पे अपने जहाँ पर भी अपने गिर गए, वहाँ पे किसी ने हाथ लगाया तो उनको हाथ में मुँह पे नाक पे हाथ पर लगा लिया तो उससे वो फैल सकता है। तो अपने को इसलिए इसको फैलने से रोकने का अपने को यही है कि एक तो खांसी और छींक से फैलता है, तो मुँह पे मास्क लगाएंगे तो खांसी और छींक से वो वायरस स्प्रेड नहीं होगा, ड्रॉपलेट्स स्प्रेड नहीं होंगे। उसके अलावा अगर जैसे किसी ने बाई चांस मास्क नहीं लगा रखा है, ड्रॉपलेट स्प्रेड हो गया, तो अपने हाथ का अपन बार बार कहीं हाथ में टच हो गया है कोविड वैक्सीन कोरोना वायरस के संपर्क में आ गए हैं, तो अपने हाथ धोते रहेंगे बार बार, तो वो वायरस के अपना असर नहीं होगा। मुँह हाथ नाक को मुँह को हाथ नहीं लगाना बार बार, हाथों को बार बार धोते रहना, अपने दो जनों के बीच में सामाजिक दूरी का 6 फीट की दूरी रखना, जिससे कि अगर वो खांसी या छींक कोई करे तो 6 फीट की दूरी तक ड्रॉपलेट्स ट्रेवल नहीं करती है तो वो उसका इन्फेक्शन होने का चांस कम रहते हैं। और वैसे आपके जो ये SOP जो भी CBO साहब ने पढ़ के सुनाई, इसमें पूरी डिटेल में एक एक चीज़ का बारे में डिस्कस किया हुआ है, बच्चों को अलग अलग समय पर बुलाना है, हर कक्षा का आने का और जाने का समय अलग अलग होगा, रिसेस का समय अलग अलग होगा, हर विद्यार्थी अपने घर से खाने की वस्तु लेकर के आएगा, अपना पीने का पानी अलग से लेकर के आएगा, तो इस चीज़ों से अपन